मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 16 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द चैप्टर नेम इज द मैरी मैन ऑफ शेरवुड फॉरेस्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट आज मैं पढ़ाऊंगी। थर्ड पार्ट तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको रॉबिन हुड और लिटिल जॉन की स्टोरी बताई थी। ये दोनों में फाइट होती है और उसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी, वो आपको कॉपी में करना होगा। गुड स्टिक तक मैंने आज पढ़ा दिया था आपको, इसके आगे से आज कंटिन्यू करना है। I should like nothing better, replied the stranger. जब रॉबिन हुड उसको अलाउ उससे पूछता है लिटिल जॉन से कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, हमारे साथ रहना चाहोगे, और मैं तुमको अपने मैन की तरह, जैसे कि उसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहनते थे, तो वो कहता था कि उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ आते हो, लिटिल जॉन से रॉबिन हुड ने कहा अगर तुम मेरे साथ आते तो मैं तुम्हें ग्रीन क्लोथ दूंगा, लिंकन ग्रीन क्लोथ दूंगा पहनने के लिए, और तुम्हें बो और एरो चलाना सिखाऊंगा। तो उसका क्या रिप्लाई होता है, आई शुड लाइक नथिंग बेटर, रिप्लाइड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर क्या कहता है कि मुझे इससे अच्छा कोई काम नहीं मिल सकता। माई नेम इज जॉन लिटिल, और उसने कहा कि मेरा नाम जॉन लिटिल है, एंड आई प्रोमिस टू सर्व यू फेथफुली, और मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ कि मैं आप की वफादारी से सेवा करूंगा। जॉन लिटिल सेड विल स्कारलेट लाफिंग, जॉन लिटिल व्हाट अ नेम फॉर अ मैन दैट हाइट, जॉन लिटिल व्हाई ही इज 7 feet टॉल इफ ही इज एन इंच। विल स्कारलेट जो कि रॉबिन हुड के ग्रुप ऑफ पीपल में से एक था, तो उसने क्या कहा कि जॉन लिटिल ये कैसा नाम है। जॉन लिटिल एक ऐसे पर्सन का नाम जिसकी हाइट इतनी ज्यादा है, जो इतना टॉल है और जो कि 7 feet का है, और उसका नाम है जॉन लिटिल, ये कह करके वो हंसने लगता है। विल स्कारलेट लाफ्ड एंड लाफ्ड टिल द टीयर्स रैन डाउन हिज फेस। ही थॉट इट वॉज सच अ फनी नेम फॉर सो बिग अ मैन। विल स्कारलेट ये बोल करके हंसने लगता है, और इतना हंसने लगता है कि उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। ही थॉट इट वॉज सच अ फनी नेम फॉर सो बिग अ मैन। उसने कहा कि उसने सोचा कि ये बहुत ही फनी नेम है, एक ऐसे पर्सन का नाम लिटिल होना जो कि बहुत ही ह्यूज है बॉडी में, जो कि बहुत टॉल है और हैवी है बॉडी में। रॉबिन लाव्ड बिकॉज विल लाफ्ड, रॉबिन हंसने लगा क्योंकि विल स्कारलेट भी हंसने लगा था। देन जॉन लिटिल लाफ्ड बिकॉज रॉबिन लाफ्ड, रॉबिन के हंसने पर फिर जॉन लिटिल भी हंसने लगा, यानी कि वहां पर जितने लोग थे सब हंसने लगे इस बात पर। सून दे वर ऑल लाफिंग एज हार्ड एज दे कुड, और वो तेज तेज से हंसने लगे। द विंड कैरीड द साउंड ऑफ इट अवे टिल द फोक इन द विलेजेस राउंड अबाउट सेड हार्क हाउ रॉबिन हुड एंड हिज मैरी मैन डू लाफ। वो इतने ग्रुप ऑफ पीपल थे, इतने तेज तेज से हंसने लगे, इतनी जोर जोर से हंसने लगे कि जो उनके झुंड की आवाज थी वो गांव के राउंड अबाउट यानी कि क्रॉस रोड तक जाने लगी, और वहां पर जो रहने वाले लोग थे वो ये सरप्राइज हो गए इस बात से कि रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन की आवाज हंसी की यहां तक आ रही है। Well, said Robin at last. Robin ने लास्ट में कहा कि ठीक है, I have heard it said laugh and grow fat. But if we don't get some dinner soon, I think we will grow very lean. Robin ने कहा कि मैंने ये सुना है कि ज्यादा हंसने से इंसान फैट हो जाता है, उसकी बॉडी ग्रो करने लगती है, फैट हो जाता है, लेकिन अगर हमने डिनर नहीं किया तो हम बहुत दुबले हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। कम अलॉन्ग माई लिटिल जॉन, आई एम श्योर यू मस्ट बी हंग्री टू। रॉबिन ने कहा कि लिटिल जॉन यहाँ आओ, मेरे साथ चलो, शायद
मैं श्योर हूँ कि तुम्हें भी भूख लगी होगी। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द बिग मैन हु बिकेम रॉबिन हुड्स बेस्ट फ्रेंड वॉज नोन एज लिटिल जॉन। और फिर उस दिन से वो बिग मैन लिटिल जॉन जो था उस वो बेस्ट फ्रेंड रॉबिन हुड का बेस्ट फ्रेंड कहलाने लगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब हम आएंगे वर्ड मीनिंग्स पर। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पर जिसको आपको कॉपी में करना है। एडवेंचर, स्लेंडर, अकस्टम्ड, क्विवर, नेक्स्ट है थिकेट, फेल्टू, ट्रिमेंडस। ये एक्सरसाइज भी आप ये सारी वर्ड मीनिंग जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट है करंट, टम्बल्ड एंड राउंड अबाउट। ये सारी वर्ड मीनिंग्स हैं इसको कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। पहले है हमारा हु सेड टू हुम गो बैक एंड वेट टिल आई हैव कम ओवर। ये किसने कहा था? रॉबिन हुड स्पोक दीज वर्ड्स टू द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन था? जॉन लिटिल। यू आर अ बिग बोस्टफुली बुली। रॉबिन हुड सेड दीज वर्ड्स टू द स्ट्रेंजर। यू आर नॉट एन ईजी मैन टू बीट और टू ड्राउन ईदर। ये किसने कहा था? द स्ट्रेंजर स्पोक दीज वर्ड्स टू रॉबिन हुड। स्ट्रेंजर लिखिए या जॉन लिटिल लिखिए या यंग फेलो लिखिए, तीनों एक ही है। वाई ही इज 7 feet टॉल इफ ही इज एन इंच। ये किसने कहा था? विल स्कारलेट सेड दीज वर्ड्स टू रॉबिन हुड। इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव मेट एनी वन हु कुड यूज अ स्टिक एज यू कैन। द स्ट्रेंजर स्पोक दीज वर्ड्स टू रॉबिन हुड। नेक्स्ट आते हैं, ये एक चैप्टर से रिलेटेड फिलअप दिया हुआ है, इसको आपको बुक में ही फिल करना है, लेकिन ये स्टोरी से रिलेटेड है, इसको बुक में ही फिल कर लीजिएगा। इसके बाद का नेक्स्ट पेज पर है फिलअप, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है इसके बाद का, ये है फिलअप, ये पूरा एक ही है, इसको आप बुक में फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। ये क्वेश्चन आंसर्स 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। Now I'm going to end this class. Good day.